ये तो हम सबको पता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और हम सुबह उठने के लिए कोशिश भी करते हैं। कई बार हमने ये ट्राई किया है, लेकिन क्या होता है, 2-3 दिन फॉलो हम करते हैं, उसके बाद हम फिर बैक अपने पुराने वाले रूटीन पे आ जाते हैं और हम लोग लेट उठना स्टार्ट करते हैं। कई बार हम अलार्म सेट करते हैं कि हमें कल 5 बजे उठना है, लेकिन अलार्म बजता है और हम उठते भी हैं और फिर उसे स्नूज पे डाल के सो जाते हैं। कुछ लोग तो कई बार का अलार्म सेट करते हैं, जैसे 5 बजे का, 5:05, 5:10, 5:20, और फिर भी वो उठ नहीं पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि अलार्म बजने के बाद भी आप उठ नहीं पाते हैं? तो क्या अलार्म आपको जगाता है? बिल्कुल नहीं। अलार्म उसी को जगा सकता है जो सचमुच में जगना चाहे। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप बिना अलार्म के भी सुबह उठ सकते हैं अगर आप चाह ले तो। मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका, मैं एक डॉक्टर और हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग सुबह कैसे उठ सकते हैं और हम लोग लेट क्यों उठते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि कैसे आपका माइंड आपके वेकअप टाइम को कंट्रोल करता है। आपका माइंड आपको सुबह उठा भी सकता है और आपको देर तक सुला भी सकता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। याद कीजिए कि पिछली बार जब आपको कहीं जाना था, आपकी कोई ट्रिप थी, आपको फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना था, उस दिन आप कैसे जल्दी सुबह उठ गए थे? क्या उस दिन आप लेट हुए थे? अधिकतर लोग जल्दी उठ गए थे, समय पे उठ गए थे। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि आप सुबह उठ गए थे? आपने एक दिन पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी, आपने अपना बैग पैक किया, आप सोते समय भी यही सोच रहे थे कि कल मुझे जल्दी उठना है और तैयार होना है, आपने ये भी सोचा कि मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, और आप बहुत कॉन्शियस थे कि आप लेट ना हो। तो ये मैसेज आपने अपने माइंड को दिया, आपने माइंड को बोला कि मुझे कल जल्दी उठना है क्योंकि मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को समझ गया और उसने आपको हेल्प की सुबह उठने में। वहीं दूसरी तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं। अक्सर वीकेंड पे क्या होता है, जो लोग कोई भी वेकअप रूटीन फॉलो नहीं करते हैं वो अक्सर लेट तक सोते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस दिन आपको लगता है कि कल तो छुट्टी है, कल रेस्ट का दिन है और कल मुझे कोई भी इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, तो मैं लेट तक सो सकता हूँ या सो सकती हूँ। और यही मैसेज आप अपने माइंड को भी भेजते हैं, यानी कि आप माइंड को बोलते हैं कि मुझे लेट तक सोना है, कल छुट्टी का दिन है और कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आपका माइंड भी आपको ये करने में आपकी हेल्प करता है। और सोचिए ऐसे में जब अलार्म बजेगा तो क्या होगा, क्या आप उठेंगे? आप बिल्कुल नहीं उठेंगे, आप अलार्म को बंद करके फिर से सो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं उठना और आपका माइंड भी आपको इसी में सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई हाउसवाइफ है या कोई भी रिस्पॉन्सिबल लेडीज हैं जो घर का सारा काम संभालती हैं, वो कैसे सुबह जल्दी उठ जाती हैं और अपने काम में जुट जाती हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है सुबह उठने का। वो जानती है कि अगर वो सुबह नहीं उठी तो सब लोग लेट होने वाले हैं, उनके बच्चे टाइम से स्कूल नहीं जा पाएंगे, काम पर जाने वाले लोग समय पर काम पर नहीं जा पाएंगे, लोग समय पर खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए उनका सुबह उठना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सुबह उठना है तो हमें अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग, वैलिड और इम्पॉर्टेंट वजह देनी होगी कि हमें सुबह क्यों उठना है, तभी आपका माइंड आपको सुबह उठने में हेल्प कर सकता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न होगा उतनी ही आसानी आपको सुबह उठने में होगी। अब यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा क्या रीज़न है सुबह जल्दी उठने का। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है और ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। मैं डेली सुबह एक्सरसाइज करती हूँ और मैं यह भी ध्यान रखती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे ले लूँ, तो अगर मैं सुबह उठती हूँ तो ये काम बहुत ईजिली हो जाता है और मैं एक्सरसाइज कभी मिस नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं सुबह उठूँ। आपका भी कोई रीज़न हो सकता है, जैसे किसी को स्टडी करना हो, किसी को वॉकिंग पे जाना हो, किसी को गार्डनिंग करनी हो, किसी को बच्चों को पढ़ाना हो,
चाहे आपका जो भी रीजन हो, आप उस रीजन को पहचानिए और उसे कहीं लिख लीजिए जो आपको हमेशा दिखे, याद रहे। और सोते वक्त उस रीजन को याद कीजिए और अपने माइंड को ये मैसेज दीजिए कि मुझे ये काम करने के लिए सुबह इतने बजे उठना है। मतलब ऐसे एग्जांपल से हम समझते हैं, किसी को स्टडी के लिए उठना है तो सोते समय आपको ये सोचना है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और आपको कितने बजे उठना है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये बुक पढ़नी है और मुझे 5 बजे उठना है, और वो आप बुक निकाल के अपने टेबल पर डाल दीजिए। तो आपका माइंड जो है आपको वॉच करता है और माइंड भी समझता है कि आपको सुबह उठना है और वो इसके लिए आपको रेडी कर देता है। तो ऐसे आप सुबह उठ सकते हैं। अगर आपका कोई भी रीज़न है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं उसके लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और आज से ही इस टेक्निक को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आप नाइट में वो रीज़न सोचिए और उसके बारे में प्लानिंग कीजिए और टाइम भी डिसाइड कर लीजिए। अब एक्शन लेने का समय है। आप कल उठेंगे और कितने बजे आप उठे ये जरूर कमेंट करके बताइए। और इस टेक्निक को आपको कम से कम 21 दिन तक फॉलो करना है, तभी ये आपकी हैबिट डेवलप हो पाएगी। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप और वीडियोज़ भी देख सकें। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।